दुनिया में जितनी भी लड़कियां एक्टर बनना चाहती हैं, सब हर कोई चाहते हैं कि वो एक बार फैजल जी के साथ में काम करे। अच्छा, आपको नहीं पता सर? नहीं, मुझे नहीं पता ये बात। चलिए मैं बात करूंगा आमिर खान जी की। जी जी। ट्रेलर आ चुका है 2.1, अभी जस्ट मैं जो देख रहा था 2.1 क्रॉस कर रहा है मिलियन। आपने उन्हें दिखाया या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ये मेरा भी ट्रेलर आया है? नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की कांटेक्ट। वो मुझे कांटेक्ट करें ना देख के, अगर उन्होंने देखा है तो वो खुद फ़ोन उठा के कर सकते हैं कि अरे भाई आपका ट्रेलर है, अच्छा है बुरा है, ये मैं क्यों कांटेक्ट करूं? वो मुझे कांटेक्ट करें, आई एम द डायरेक्टर एन एक्टर। नहीं, वो खुद मैं नहीं दिखाऊंगा, वो खुद ही बोले, उसमें मज़ा है ना, दुनिया बोले। अभी मैं बोल लूँ कि यार सबको, आपको दुनिया को फ़ोन करके बोलूँ यार पिक्चर लगी है, तो मज़ा कहाँ है? सामने से आना चाहिए कि अरे देखा, अच्छा था या बुरा था या जो भी। अभी तक उनका कॉल नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। आजकल सब बड़े हीरो का टाइम ख़त्म हो गया है, सबकी मोनोपोली टूट गई है, तो उसकी वजह से हमको थिएटर मिल पाएंगे, सही रिलीज मिल पाएगी, ये भी तो पॉजिटिव साइड है देखने की। वरना वो सब जो बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सब कब्जा करके बैठे हैं, तो वो वहाँ से नहीं मारे जाएंगे तो यहाँ से मारे जाएंगे। तो एटलीस्ट वी हैव अ बेटर चांस आई फील नाउ, एटलीस्ट वी रिलीज इट द वे वी वॉन्ट, वी आर गोइंग टू गेट द राइट थिएटर्स दैट वी वॉन्ट, तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है देखने की। चलिए मैं बात करूंगा आमिर खान जी की। जी जी। नताशा, आई लव यू। लेकिन चिनार की, देखिए चिनार सही तरीके से रिलीज ही नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से लोगों को तक पहुँचा ही नहीं, इंडस्ट्री तक नहीं पहुँचा कि ये फिल्म लगी हुई है कहीं। तो इसलिए ये फिल्म मैं अपनी तरीके से बनाना चाहता था और अपनी तरीके से रिलीज़ भी करना चाहता था, इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं दे सकता था, क्योंकि नए प्रोड्यूसर आते हैं उनको रिलीज़ करना नहीं आता, तो फिर वो पिक्चर बिगड़ जाती है और जो अंजाम होता है वो मतलब बेकार ख़राब अंजाम हो जाता है उसका। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पिक्चर का पूरा जो भागदौड़ है, पूरा कमान मैं अपने हाथ में रखूँ और इसको एटलीस्ट ये एक प्रोजेक्ट मैं अपनी तरह से बनाऊँ, अपनी तरह से रिलीज़ कर पाऊँ, वो मैं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, फैक्ट्री के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर अंजाम जो भी हो वो ऊपर वाले के हाथ। और मेरे सब एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, रिबू मेरा, शरद सिंह, राजकुमार रंजिया, सब रोली, सब ने बहुत मिल के मेहनत की, सब टेक्नीशियंस ने मेहनत की, तब हमारी ये तपस्या रंग लाई है, एक तरीके से मुकम्मल हो पाई है, और अब इसको हम पेश कर रहे हैं 3 सितंबर को। ये लीजिए, पेश कर रहे हैं। सर ये कंपलसरी नहीं कि सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी देखिए, मुझे भी देख सकते हैं, अपने पोस्टर की तरफ भी देख सकते हैं। जी जी, दूसरे को देख सकते हैं, पर मुझे कहीं भी देख सकते हैं। जी जी जी। ओके जी जी, चलता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, एंड रोली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आपके लिए डबल कांग्रेचुलेशन, आप डायरेक्टर भी बन चुके हैं इस फिल्म के साथ साथ। आई नो आपने पहले असिस्ट भी किया है, लेकिन ट्रिपल कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया ना, गाना भी गाया। जी मैडम, आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सर के साथ में डेब्यू कर रही, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सर जल्दी मिलते नहीं, आप बहुत लकी हैं। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे मिले, वो सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़कियां एक्टर बनना चाहती हैं, सब हर कोई चाहते हैं कि वो एक बार फैजल जी के साथ में काम करे। अच्छा, आपको नहीं पता सर? नहीं, मुझे नहीं पता ये बात। तो ढेरों सारी बातें करेंगे। और सर, और एक जो चीज मैंने नोटिस की कि आप बहुत ही रोमांटिक बन गए हैं, जिस तरह से आपने प्रपोज किया आई लव यू नताशा। हां, फिल्म में फिल्म की जो बातें करेंगे फिल्म की, चाहूंगा कि आप एक बार वहीं से स्टार्ट करें, देन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। I love you, Natasha. सर मैं एक रेड रोज ढूंढ रहा था, मैंने कहा बोला रेड रोज, एक बार सर अगेन एक वो फील के साथ। Natasha, I love you. कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइम पे मैंने कहा नहीं था कुछ, लेकिन ट्रेलर के लास्ट में मैंने देखा एंड में था पॉइंट पे, मतलब कितना जूम क्यों है। हाँ, जो जुल्म है और जो टेंशन है और जो थ्रिल्स है, क्योंकि एक रोमांटिक थ्रिलर है फिल्म फैक्ट्री हमारी, 3 तारीख को लग रही है, उसमें सब जो भी टेंशन्स हैं, रोमांस है, प्रपोजिंग है, हार्ट ब्रेक्स है, इमोशंस है, गाने हैं, कॉमेडी है, एक्शन है,
सब आप थर्ड को ही देखिए इंशाल्लाह के। ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और देखिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ऑडियंस इन्जॉय करेगी, इसलिए फिल्म बनाएगी। ये इंटेंशन के साथ बनाई गई है, तो हमारा ये जो इंटेंशन है, ये सपना ये स्वीकार हो, वो हमको थर्ड के बाद ही मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि मिले कहाँ से ये आपको, मतलब कांटेक्ट किया आपने, जी ऑडिशन किया? नहीं, सर के साथ ही। हाँ, मेरे जो मैनेजर हैं डीके श्रॉफ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि एक ऑडिशन हो रहा है, आप जाइए ज़रूर। और जैसे आज रात को फ़ोन था और मैं कल ही पहुँच गई। दिस इज़ टू गुड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू मिस, यू नो, बिकॉज ही ऑलरेडी टोल्ड मी। तो पूरा लाइन सीख साख के मैं पहुँच गई, एंड देन आई गेव दी ऑडिशन। और फिर उसके बाद बोला बस, यू नो, वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग, बहुत जल्दी हम सब करेंगे। और 15 दिन तक बिल्कुल साइलेंस, नथिंग। सो आई थॉट चलो किसी और को मिल गया होगा, बिकॉज मूवी दे वॉन्टेड टू कास्ट वेरी फास्ट। पर फिर 15 दिन के बाद दिस हैपन की एक छोटी सी स्टोरी है। सो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं एंड क्रिएटिव हेड है मरियम, शी स्टार्टेड फाइंडिंग मी। और मेरा जो घर है वो नहीं, ऐसा हुआ कि हम लोग जब ऑडिशन दे रहे थे तो हम लोग की बातें भी शुरू हो गई। मरियम हमारी जो क्रिएटिव हैं और प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी कुछ बातें हुई रोली की, और ऐसा उनको पता चल गया कि हाँ, ये उनके एरिया में, जहाँ इनका पहले का फ्लैट था वो एरिया में, ये बाजू में रहती हैं, बाजू में रहती थी नेक्स्ट बिल्डिंग में, सब बातें हो गई। फिर हम लोग ने सोचने लग गए, जब ऑडिशन होके ख़त्म हो गया तो हम लोग सोचने लग गए कि अब ये हमको पसंद तो आ गई रोली का, ऑडिशन बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे थे क्या करें, ये करें। काफ़ी टाइम में 15 दिन निकल गए। हाँ, उसके बाद तो 15 दिन निकल गए एंड कुछ पता नहीं चला, तो मुझे बहुत बुरा लगा। यू नो, जैसे आप देते हो ऑडिशन एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एंड बिल्डिंग ऑल दीज होप्स। पर फिर मेरे घर का बेल रिंग हुआ और उन्होंने बोला कि मरियम मैडम को आपसे बात करना है। और ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी इन 15 डेज, बिकॉज मैं एक ही बार मिली थी और हमने बातें करी थी। पर फिर भी तो मैंने जब फ़ोन किया, बोला रोली वेर आर यू। क्या हुआ कि 15 दिन गुजर गए, अब हम लोग को लगा है हमको स्टार्ट भी करना है पिक्चर, और वक्त भी अब जल्दी स्टार्ट करना है, हम लोग नहीं रोली को ही लेना है। तो अब जो डीके श्रॉफ जो इनके मैनेजर थे, जिनके थ्रू ये आई थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा। तो हम मरियम भी थोड़ा खफा हो गई, हम मैं भी चढ़ गया कि ये क्या है, हम इतना कर रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और फ़ोन बंद कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है? तो वो बाद में मालूम पड़ा कि वो मौन व्रत में थे। अच्छा। तो हमको लगा ये क्या क्या ये थैंक गॉड मैंने बातें कर ली थी, बता देता मैं कौन सी बिल्डिंग में रहती हूँ। तो क्या हुआ कि वो हूँ करके बंद कर रहे हैं। तो चिड़िया में भी बोल रहे हैं क्या है, कैसा है सेक्रेटरी, ये क्या कर रहा है यार। तो क्योंकि मरियम और रोली की बातचीत हो चुकी थी और ये तो पता चल गया था कि ये बाजू के ही बिल्डिंग में रहती हैं जहाँ वो पहले रहती थी मरियम, तो हम लोग ने किसी तरीके से इनको बोला कि इनको ट्रैक डाउन। अब मुझे लगा कि ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है कुछ। हाँ, आजकल ये भी होता है, क्योंकि कुछ बोल रहा है। अच्छा, वो जो उस टाइम डायरेक्टर भी शारिक भाई थे, तो शारिक भाई चाहते थे कि कोई और लड़की आए, तो मेरा दिमाग ये भी जा रहा था कि शारिक भाई तो कुछ गेम नहीं खेल रहे हैं, कुछ बहुत पॉलिटिक्स चलती है लाइन में, तो सबको जानते हैं, तो कोई किसका क्या पत्ता काट रहा है। तो मरियम भी गुस्सा हो गई, मैं भी गुस्सा हो रहा हूँ। तो हम लोग चलो भेजो किसी को उनके घर पे, तो इसलिए घंटी बजी और रोली के पास कोई आया, बोला मरियम मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। तो ये तो भूल भी गई कौन मरियम, बोले फिर भी आप फ़ोन कर लीजिए। तो अच्छा, दूसरी एक और एपिसोड ये भी है कि हम लोग को तो पता था कि ये बिल्डिंग में रहती हैं, लेकिन कौन से माले पे रहती हैं वो नहीं पता। तो मरियम ने जिनके यहाँ काम करती थी एक जो लेडी मेड, वो भेजी इनके वॉचमैन के पास, क्योंकि वो जो मेड थी उसके पास वो पुराना फ़ोन था, तो उसके पास फ़ोटो, तो फ़ोटो भी भेजे तो कौन ऑडिशन भेज देते ये फ़ोटो, ये लड़की है, लेकिन उसका फ़ोन पुराना था तो फ़ोटो कहाँ भेजें। तो वो उनके वॉचमैन को मिली जाके, उसके पास एक फ़ोन था जिसमें आप फ़ोटो भेज सकते थे। तो हम लोग ने बोला वो रोली रायन वो हीरोइन रहती है यहाँ, तो बोले कौन रोली रायन, वो वॉचमैन नहीं जानता होगा, बड़ी बिल्डिंग है इनकी, ये भी नई आई है इस इंडस्ट्री में, अभी हीरोइन बनी नहीं है। तो फिर उसको फ़ोटो भेजा गया उनके उसका नंबर पे, तो फिर उसने दिया हाँ ये तो फलाने माले पे रहती हैं, कौन से माले पे, चार माले, हाँ फोर्थ फ्लोर। तो फिर वो मेड गई ऊपर, फिर वो उसने घंटी बजाई और फिर ये आई और उन्होंने बोला मरियम से बात करो। अब ये बोल रही है कौन मरियम,
बड़ी शिद्दत से जोड़ा है सर ने आपको, पार्टी देनी पड़ेगी सक्सेस में. आप कुछ कहना? अब ये आए कि अब ये आप बोलो कि मरियम कौन मरियम. ऑनेस्टली मोर देन कौन मरियम आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट ना कि ऐसे ऐसे हो जाएगा. I had forgotten was a different thing, but you don't expect that the producer Mariam and Faisal will be finding you. I thought DK is there, so we will talk to them. So I didn't expect that. So I was caught off guard. And then when this happened, talking about it, instantly Mariam was like, "Rolly, where are you? Where are you? We are trying to search you. Where are you? And I was like, come here, we want to sign you." And I was like, "Who is this? Remember who came for audition?" I was like, oh my god, okay. Then I was like, this is definitely happening, क्योंकि कोई इतना नहीं करेगा. और फिर then very next day, इनको बुलाया गया. मैं तो पहुंच गई वहाँ पे. इनको बुलाया गया, इनको full narration दिया गया कहानी का. और फिर इन्होंने sign किया और फिर उसके सब check ये हाथ से दिया और ये हाथ से script दिया. तो ये चेक लिया उन्होंने, मैंने सट करके स्क्रिप्ट भी रखा सामने, ये लो. तो ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है, ये आपको पूरी तैयार करके 4 दिन में आना है. अरे, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है. बहुत exactly. जानते हो ये आप उनको जब फोन करेंगे तो उनका मौन व्रत के टाइम पे फोन मत करिएगा, वरना बात नहीं होगी. तो इस तरीके से रोली साइन हुई. आप अभी अभी पूछिए. आप बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आप लोगों ने शेयर किया, वो आई थिंक कभी नहीं भूलेगा. फर्स्ट मूवी में ऐसा हुआ. तो चलिए मैं फैक्ट्री पे आता हूँ, क्योंकि ढेरों सारे किरदार हैं आपके, ढेरों सारे आप कुछ कर रहे हैं. तो पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने अंदाज हमें देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहला जो देखने को मिला फ्राइडे हो या ड्राइडे दारू पीना है, वो मुझे आपका एक अंदाज देखने को मिला. दूसरा अंदाज काफी थ्रिलर वाला देखने को मिला. तीसरा अंदाज वो रोमांटिक का मिला. और कौन कौन से अंदाज होंगे अगर आप बता सकें, उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर पर आता हूँ. अंदाज तो काफी है, शेड्स बहुत है इस कैरेक्टर के, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है. तो जब आप पिक्चर देखेंगे आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स हैं. सडनली गाना भी गाने लग जाता है, सडनली सीरियस भी हो जाता है, सडनली इमोशनल भी हो जाता है. बहुत और एक हड़बड़ाया हुआ आशिक है. अच्छा. तड़पता हुआ आशिक, तड़पता हुआ आशिक, वो तड़प दिखाई देगी आपको इसको. नताशा जी के पागल है, के प्यार में पागल है. तो ये सब शेड्स हैं अलग अलग, इनके कैरेक्टर में भी अलग अलग शेड्स हैं, बहुत अच्छे शेड्स हैं. तो आप थोड़ा बताइए कि आपके किरदार के बारे में एंड फिर क्यों इतना तड़पता हुआ आशिक बनाती हैं आप किसी को. वो तो ऑब्वियसली थर्ड को ही मालूम पड़ेगा. पर विच गर्ल डजंट लाइक टू बी रोमांस्ड, माई क्वेश्चन. तो बस यही था बस. तो मुझे बहुत ही मुझे जो भी चाहिए था वो सब उस फिल्म से मिला है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. नहीं, शेड इनमें भी बहुत है, जैसे गुस्सा का है और हैप्पीनेस है और एक्साइटमेंट का है जब कोई इनको प्रपोज कर रहा है. शेड्स बहुत हैं, कभी गुस्से का है, कभी सैडनेस है. एंड प्लस आई वाज फाइटिंग, कभी हां कभी एक्शन. इन्होंने पहली इन्होंने पहली बार एक्शन भी किया है फिल्म, पहली बार मैं एक्शन भी कर रही थी. और बहुत ही, तो वही मतलब सारे शेड्स, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सैडनेस, मतलब सारे इमोशंस हैं इस फिल्म में. रोमांटिक गाने, रोमांटिक गाना व्हिच इज माय फेवरेट, व्हिच इज माय फेवरेट, व्हिच फैजल हैज संग. सो डेफिनेटली इट वाज अमेजिंग. क्योंकि फैक्ट्री मेन लोकेशन है. अच्छा, इसके ऊपर भी एक जो फैक्ट्री टाइटल कैसे मिला? हाँ, वो वही, पहले तो ये लोकेशन, फिर उसके बाद फैक्ट्री टाइटल. लोकेशन हमारी वापी में थी, दमन में थी, सापुतारा में थी, और दादरा और अचाप भी वहाँ से. हाँ, और दादरा और नगर हवेली में भी वही बेल्ट में शूट हुई है पूरी पिक्चर. नहीं, तब कोविड था नहीं. हम लोग ने जब हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, हमारी एडिट ख़त्म हो गई, हमारी फिल्म का फर्स्ट कॉपी आ गया और ठक करके कोविड आ गया. अच्छा. उसके साथ में कोविड भी आ गया, तो हमारी पिक्चर रेडी थी और लॉकडाउन हो गया. 2019 में आया ना. हाँ, 2019 में हमारी पिक्चर रेडी थी, मार्च में. हम लोग 6-7 ट्रायल भी किए, कुछ खास लोगों को बुलाया और लॉकडाउन हो गया. इंतजार में जो मजा है वो अलग ही मजा होता है. सबर का फल मीठा होता है. एग्जैक्टली. अभी अब यहाँ इंतजार तो था, बट आई फील
टाइमिंग भी हमारा जो फिल्म जो रिलीज हो रही है इट्स वेरी गुड टाइमिंग सो इंतजार किया और टाइमिंग भी इतनी अच्छी है कि आई फील इट्स गोना बी अमेजिंग टाइटल मिल ही नहीं रहा था अब हम लोग सोच रहे हैं यार क्या है और क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें रोमांस भी है उसमें एक्शन भी है थ्रिल भी है तो अगर सिर्फ एक्शन और थ्रिल टाइटल रखते हैं तो रोमांस मारा जाता है अब सिर्फ रोमांस टाइटल रखते हैं तो उसका थ्रिलिंग मोमेंट्स और सब बैलेंस है उसमें अब क्या किया जाए तो फिर मरियम हमारी बहुत सोच रहे थे हम लोग अलग अलग ये टाइटल वो टाइटल दो तीन रजिस्टर भी करा लिया अलग अलग टाइटल्स फिर मरियम जा रही थी गाड़ी में और मैं भी जा रहा था हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सडनली उन्होंने बोला फैक्ट्री तो फैक्ट्री जब मैंने सुना तो मैंने पूछा क्यों फैक्ट्री तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारा फैक्ट्री में हमारा 75% स्क्रिप्ट फैक्ट्री में शूट की गई है और फैक्ट्री में ही बहुत उतार चढ़ाव है इमोशंस के मतलब गाना भी है एक्शन भी है रोमांस भी है तड़प भी है तो वो सब कॉमेडी भी है थोड़ी जितनी चाहिए तो वो सब जो इतने इमोशंस ज़्यादातर फैक्ट्री में होते हैं और फैक्ट्री इसलिए फैक्ट्री टाइटल मैंने बोला बैठ जाएगा ये सूट हो जाएगा नॉन कमिटल टाइटल ना रोमांस ना थ्रिल द सब्जेक्ट द लोकेशन इज बिकम द टाइटल जैसे तीसरी मंजिल मेरी एक अंकल की पिक्चर आई थी उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे रोमांस अच्छा था तीसरी मंजिल थ्रिलर फिल्म तो तीसरी मंजिल वॉज जहाँ से वो बॉडी गिरती थी लोकेशन टाइटल बन गई तो उस तरीके से फैक्ट्री भी लोकेशन टाइटल बन गया बड़ी जी मतलब टाइम लेते हैं आप तो हमेशा माने कि चूजी हैं आप या जो आपको पसंद आता नहीं चूजी तो मैं हूँ लेकिन चिनार की देखिए चिनार सही तरीके से रिलीज ही नहीं हो पाई तो उसकी वजह से लोगों को तक पहुँचाई नहीं इंडस्ट्री तक नहीं पहुँचाएंगे फिल्म लगी हुई है कहीं तो इसलिए ये फिल्म मैं अपनी तरीके से बनाना चाहता था और अपनी तरीके से रिलीज़ भी करना चाहता था इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं दे सकता था क्योंकि नए प्रोड्यूसर आते हैं उनको रिलीज़ करना नहीं आता तो फिर वो पिक्चर बिगड़ जाती है और जो अंजाम होता है वो मतलब बेकार ख़राब अंजाम हो जाता है उसका तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पिक्चर का पूरा जो भागदौड़ है पूरा कमान मैं अपने हाथ में रखूं और इसको एटलीस्ट ये एक प्रोजेक्ट मैं अपनी तरह से बनाऊं अपनी तरह से रिलीज़ कर पाऊं वो मैं कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट के साथ फैक्ट्री के साथ फिर अंजाम जो भी हो ऊपर वाले के हाथ और मेरे सब एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले रिबू मेरा शरद सिंह राजकुमार जिया सब रोली सब ने बहुत मिल के मेहनत की सब टेक्नीशियन ने मेहनत की तब हमारी ये तपस्या रंग लाई है एक तरीके से मुकम्मल हो पाई है और अब इसको हम पेश कर रहे हैं 3 सितंबर को ये लीजिए पेश कर रहे हैं सर जितना अभी का जो हालत चल रही है मुझे एक चीज जितना लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप लोग को आने वाले थर्ड क्यों क्यों क्योंकि अभी तक पूरी तरह से थिएटर खुले नहीं है बॉम्बे में तो मुंबई में लेकिन इंडिया भी तो है ना इंडिया बड़ा देश है तो अगर बॉम्बे में देखिए नसीब होगा तो बॉम्बे में भी शायद खुल जाए वो हमारे नसीब पर है और अगर बॉम्बे में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं पूरी इंडिया बाकी की पड़ी है वहाँ तो रिलीज करेंगे मुंबई एक बहुत बड़ा मार्केट है नहीं मुंबई बड़ा मार्केट है लेकिन इट्स नॉट द ओनली मार्केट तो मायूस होने की बात और पिक्चर जहाँ चलना होती है ना चाहे वो एक थिएटर में पहले चलती थी पिक्चर तो 100 वीक्स करती थी 50 वीक करती थी तो एक ही पुराने ज़माने में एक ही थिएटर में लगती थी और चलती थी तो अगर चलना है तो यहाँ भी चल जाएगी तो आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज आने वाले हैं जैसे कि सारी चीज़ें आपने अपने हाथों में लेके रखी जी चैलेंज बहुत फेस करने वाले हैं आप जी कोविड भी है जी चैलेंजेस फेस करते हैं पहले जैसा माहौल नहीं कि चलो फिल्में जा जाना नहीं लेकिन अच्छी बात यह है कि चैलेंज है लेकिन देखिए हर चीज़ की हर सिचुएशन की पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है अगर ये समझ लीजिए कि कोविड ना होता और सब थिएटर खुले होते तो पॉलिटिक्स इतनी होती है लाइन में कि हमको थिएटर ही नहीं मिलते ये पॉलिटिक्स आजकल सब बड़े हीरो का टाइम ख़त्म हो गया है सबकी मोनोपोली टूट गई है तो उसकी वजह से हमको थिएटर मिल पाएंगे सही रिलीज मिल पाएगी ये भी तो पॉजिटिव साइड है देखने की वरना वो सब जो बड़े बड़े हीरो हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं सब कब्जा करके बैठे हैं तो वो वहाँ से नहीं मारे जाएंगे तो यहाँ से मारे जाएंगे तो एटलीस्ट वी हैव अ बेटर चांस आई फील नाउ एटलीस्ट वी रिलीज इट द वे वी वॉन्ट वी आर गोइंग टू गेट द राइट थिएटर्स दैट वी वॉन्ट तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है देखने की चलिए मैं बात करूँगा आमिर खान जी की जी जी
ट्रेलर आ चुका है 2.1, अभी जस्ट मैं जो देख रहा था 2.1 क्रॉस कर रहा है मिलियन, आपने उन्हें दिखाया या आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि ये मेरा भी ट्रेलर आया है? नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की कॉन्टैक्ट। वो मुझे कांटेक्ट करें ना देख के, अगर उन्होंने देखा है तो वो खुद फ़ोन उठा के कर सकते हैं कि अरे भाई आपका ट्रेलर है, अच्छा है बुरा है, ये मैं क्यों कांटेक्ट करूं? वो मुझे कांटेक्ट करें, आई एम द डायरेक्टर एन एक्टर। नहीं, वो खुद मैं नहीं दिखाऊंगा, वो खुद ही बोले, उसमें मज़ा है ना, दुनिया बोले। अभी मैं बोल लूँ कि यार सबको, आपको दुनिया को फ़ोन करके बोलूँ यार पिक्चर लगी है, तो मज़ा कहाँ है? सामने से आना चाहिए कि अरे देखा अच्छा था या बुरा था या जो भी। अभी तक उनका कॉल नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। बिल्कुल। सो आप बताइए फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है, आपकी तो डेब्यू है, मॉम डैड एंड जिस तरह से आपका ट्रेलर भी आ गया है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है लोगों का? एक्चुअली सो मैंने एक्टिंग इसलिए करी क्योंकि माय मदर रियली वांटेड कि मैं एक्टिंग में जाऊँ, तो आप तो समझ ही सकते हैं, वो तो अभी बिल्कुल ही शी इज़ गॉन अ लिटिल हैप्पीनेस में वेरी क्रेजी, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर सबको मैं भेज रही हूँ, मेरी मौसी का इनफैक्ट फ़ोन आया कि दिल्ली में एफएम पे सुना कि मूवी रिलीज हो रही है, मूवी रिलीज हो रही है एफएम पे, वो जा रही थी कल रक्षाबंधन के टाइम पे, तो मैंने एकदम फ़ोन करके बोला, तो मॉम तो बहुत ही खुश है, सबको दे रही हैं मैसेजेस और फॉरवर्ड्स की ये है, एंड एवरीवन इज़ रियली लाइकिंग इट, और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आ रही है, एंड दे आर लविंग द एंड, यू नो, जैसे वो जब बोलती है आई रियली लव यू यश, people are loving that, they are loving it, so बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है एंड everyone's very happy. ट्रेलर भी पसंद किया जा रहा है, बहुत बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया, 2 million views, 2.1 क्रॉस कर चुका है, एंड यू नो रोली जी जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं एक जो एक्टर होता है वो अब मल्टी टैलेंटेड हो गया है, आप देख सकती है आपके बाजू में बैठे एक एक्टर जो है, डायरेक्टर भी होता है, एक एक्टर सिंगर भी होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, और एक एक्टर बहुत सारी चीजें करता है। जी एक्चुअली आई थिंक ना द रीजन में आप देखोगे कि आई बी सो आई एम एक्चुअली पब्लिशिंग अ बुक, आई लव राइटिंग, या आई लव राइटिंग, सो 80% वो कम्प्लीट है मेरी, पूरी लॉकडाउन में मैंने वो बुक लिखी, सो आई थिंक इफ नॉट एक्टिंग या एक्टिंग के और it will be definitely writing. Kis cheez par aapne wo likha hai? It's a romance, more of romance, very little thriller, it's called A Hot Mess. So, wow. Hot mess? No, totally. Nahi, puri different. This is more related to like 50 Shades of Grey or something. 50 Shades of Grey. That is a book now also? Yeah, that is a book. Ye novel hai, then uske par film bani. So, inspired probably for romance and mystery, but bahut hi different hai, toh it'll be for writing. That's on my only interest. मेरे साथ जो भी काम करेगा आगे भी इंशाल्लाह, उनको ये बता दूं कि मैं खाना भी बहुत अच्छा खिलाता हूँ रोली को, पूछो, और काम भी बहुत जोर का कराता हूँ जम के, पहले खाना खिलाओ अच्छा और फिर काम भी उसके डबल करो। तो क्या क्या खिलाया सर आपने? सब खिलाया खाना, पूछो उन लोगों, इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था, पर और भी एक्साइटेड हो गए काम करने के लिए, जोश आ गया, पर वो यू नो थोड़ा हो जाता है ना कि कैमरा एड्स 10 pounds, तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा कम भी खाना पड़ा, पर सब कुछ, आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में तो सब कुछ ही मिला। चलिए जाते आते थर्ड को रिलीज है जी, तो अगर आप लोग वो फ्राइडे हो या ट्राइडे अगर यू लाइक से गुनाह कर हमारी फिल्म आ रही है थर्ड को आप देखिए, ऐसा करें हाँ डेफिनेटली गा भी सकती हैं, हाँ गाती हैं, अच्छा कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि ये गाना जो मैंने जितना नोटिस किया बहुत कैची है, हाँ कैची गाना लोगों की ऐसी जुबान पर आने वाला है, हाँ मुझे वैसा लगता है, शादियों में, गणपतियों में, बर्थडे पे, जो भी सेलिब्रेशन पे, कोई भी फंक्शन होएगा, बहुत बजना चाहिए, और ये मेरी मतलब मैंने इसलिए चुना भी है। वन टू थ्री फोर। फ्राइडे हो ड्राइडे हो माला दारू पाइजे, चकना चिकन सोडा पाइजे पाइजे पाइजे, फ्राइडे हो 3rd September हो तो फिल्म देखना पाइजे, फैक्ट्री देखना पाइजे, प्लीज वॉच आवर फिल्म्स ऑन द 3rd September प्लीज। Thank you, Ji. All the best. Namaste. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
फेवरेट प्रोज कौन सा है? रोज ही नहीं है, मैं प्रपोज ही कर रहा था। छुरी भी नहीं है, मार देती है। छुरी मार दो यार। मीठा मीठा खिलाओ। वो झूठा तो नहीं है ना? उनको मैं फिल्म में भी खाना ही खिलाते रहता हूँ और ये मुझे कुछ नहीं खिलाती है, ये मुझे कुछ नहीं खिलाती है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्राइडे रिलीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.